अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 में आपको वेलकम करता हूँ। और आज जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमने ये देखना है कि कीवर्ड्स क्या चीज़ होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत मेजर फैक्टर होता है कीवर्ड। आज हम सी प्लस प्लस के हवाले से कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पर जो आज का टॉपिक है, उसमें हमने ये देखना है कि हम सी इन या खुद से वैल्यू देकर हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर से जो है वो आंसर ले सकते हैं। पिछले लेक्चर तक हमने जो काम किया है उसमें ये था कि हम अपनी वेरिएबल्स को जब इनिशलाइज करवाते थे, वेरिएबल्स को जब हम डिक्लेयर करते थे, तो उनको खुद ही वैल्यू जो है वो असाइन कर देते थे। फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है जिस तरह से चलता था, उसी तरह से हमारी जो वैल्यूज थी वो उनके अकॉर्डिंगली आंसर हमें देती थी। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम यूजर से वैल्यूज लेकर फिर उनके ऊपर काम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और उनके तो पहले मुकासिल क्या तो हैं यहाँ पे इस्तेमाल ये करने बताया के, गया और है कि फिर हम एक एक कीवर्ड्स कीवर्ड को के यूज बारे में करना मैं आपको आपको बताऊंगा बताऊँगा कि कीवर्ड्स कीवर्ड्स जो है आर ये इस काम दोज के लिए मीनिंग्स इस्तेमाल आर होते ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर। जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पहले से डिफाइंड है कि इस कीवर्ड ने ये वाला काम करना है, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पे अगर हम कुछ कीवर्ड जो हैं सी प्लस प्लस के उनको डिस्कस करें, तो उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्विच। स्विच एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी जगह पर जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस पहले से मौजूद हों और हमने उनमें से किसी एक ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना हो, तब हम एक जो है स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसके अंदर फिर मल्टीपल आंसर्स लगाकर अपना जो डिज़ायर्ड आंसर है वो हम वहाँ से चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा है डबल। डबल जो है जो डेसिमल पॉइंट्स वाली बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए फ्लोट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स तक जो है हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 बाइट से बड़ी वैल्यूज जो होंगी उनके लिए फिर हमें डबल इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड है इफ। इफ हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशन लगाने के लिए। जब हमने कोई कंडीशन लगानी हो कि अगर हमारे पास ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपने ये आंसर चला देना है। और उसके बाद है हमारे पास एल्स। एल्स होता है 2 कंडीशन लगाने के लिए, यानी कि अगर तो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ये कंडीशन चलाएं, वरना ये वाली दूसरी कंडीशन। तो वो मल्टीपल आंसर में से कोई एक आंसर चूज करने के लिए हम इफ और एल्स जो है ये कंडीशनल ऑपरेटर है। इसको फिर हम फर्दर इसके लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये भी बता रहा हूँ कि सिर्फ जो है ना जब हमने 2 कंडीशन में से कोई एक चूज करनी होती है या 2 आंसर में से एक आंसर चूज करना होता है, तब हम एक कंडीशन लगा देते हैं इसके अंदर और फिर उसको एल्स के साथ जो है वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है फॉर, वाइल और डू। ये लूप के हैं, ये 3 टाइप्स हैं लूप की अलग अलग। फॉर लूप अलग होता है, डू वाइल लूप अलग होता है और वाइल लूप अलग होता है। इसकी भी जो फर्दर डिस्कशन है वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद इंक्लूड है, क्लास है, फ्लोट है, उसके अलावा हमारे पास इंट है, डबल है, लॉन्ग है, ब्रेक है, स्विच दोबारा आ गया तो लेकर सीन है, सी आउट है, और इसी तरह से हमारे पास अनसाइंड जो एक कीवर्ड है वो भी इस्तेमाल होता है। अब अनसाइंड कीवर्ड जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूड करनी हो। बाज़ दफ़ा हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे काम करना होता है, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ अनसाइंड जो हमारे पास कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करेंगे, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। ओके, तो दूसरी स्लाइड जो है हमारे पास उसके अंदर हमने इनपुट की बात करनी है। इनपुट बेसिकली क्या होता है और उसके अंदर हम किस तरह से डिस्कशन करते हैं, मेन काम क्या है इनपुट का। इनपुट का जो बेसिक काम है वो वैल्यूज इनपुट करवाना है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अब आप पूछेंगे कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यू क्यों इनपुट करवाएंगे, उसका एक ही रीज़न है, वो ये है कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कोड जो किया था उस कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज पहले से डिफाइन कर दी थी, अपने सॉफ्टवेयर को पहले से बता दिया था कि ये वैल्यूज हैं यहाँ पे और आपने इनके ऊपर काम करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमने वैल्यूज खुद से देनी होती हैं, और मेन प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक है वो भी यही है कि हम वैल्यू खुद से दें, तब हमारी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज के ऊपर जो हमारा सॉफ्टवेयर काम करेगा वो हमारा एक्चुअल में कारआमद होगा हमारे लिए। तो सी इन जो है एक कीवर्ड, मैं भी प्रीवियस अभी आपको आपको बता स्लाइड के देता हूँ ऊपर कि नज़र भी सी आ इन रहे हैं एक ये वाले कीवर्ड है जो साइन, इस्तेमाल किया जाता है वैल्यूज को ये इनपुट साइन जो करवाने है के हमारे लिए, पास क्या है, और ग्रेटर सी देन इन के के साथ साथ दो दो जो सी है इन के वो साथ ग्रेटर ग्रेटर देन देन के के साइन साइन है। वैल्यूज को इनपुट करवाया जाए। इसके बाद जिस भी वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा उस वेरिएबल के अंदर जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा अपने कीबोर्ड के जरिए, उस वेरिएबल के अंदर वो जाके वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। फिर जब भी हम उस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे
जैसे हमने खुद से वैल्यू दी थी लेट्स सपोज A50, इसी तरह से अब वो वैल्यू वो वाली यूज होगी जो यूजर वहां पे एंटर करेगा। इसका कुछ सिंटैक्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमने दो वेरिएबल बनाए इंट एक्स और वाई, और एक और वेरिएबल बनाया इंट सम। तो अब यहाँ पे सी आउट स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है कि टाइप अ नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाती है जिस तरह से हमारे पास हम कोट के अंदर लिखते हैं, अपनी कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो हमें एक चीज़ शो होगी टाइप अ नंबर। उसके बाद आप देखें तो सी इन ग्रेटर देन, टू टाइम ग्रेटर देन लगा हुआ है, और उसके साथ जो है वो एक्स लिखा हुआ है। जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो एक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, यानी एक्स को एक वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरी लाइन आ रही है टाइप अनदर नंबर, वो भी इस तरह से प्रिंट हो जाएगी क्योंकि सी आउट है और उसके साथ एक स्ट्रिंग है, वो वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से सी इन जो है वो वाई हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू अब यूजर एंटर करेगा दूसरे नंबर पे जो वैल्यू एंटर करेगा वो हमारी वाई के अंदर जाके स्टोर होगी। फिर हमने एक्स और वाई को प्लस किया उसी तरह से जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में देख के आए हैं, और फिर हमने जो सम को जो है वो शो करवा दिया। तो ये बेसिकली हमारा सी इन का तरीकाकार होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू जो है वो यूजर से एंटर करवाते हैं और उसके ऊपर फिर मैथमेटिकली या जो भी हमने ऑपरेशन करना होता है वो हम कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेटा टाइप्स के हवाले से बात करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इस सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, उनके साथ इस चीज़ को शेयर करें ताकि उनका फायदा हो सके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आज की वीडियो के थ्रू से अनाउंस करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप कमेंट में अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और आपको वहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डेटा टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।